दोस्तों टेक्नो तैयार है 3 जनवरी को इंडियन मार्केट में अपने टेक्नो पॉप 8 अप को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों जो कि प्राइसिंग आप सुनकर शॉक्ड रह जाओगे, जो ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है लिटरली काबिले तारीफ है, बहुत ज़्यादा तगड़ी स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ टेक्नो पॉप 8 अप से रिगार्डिंग, कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ होने वाली है, इंडियन मार्केट में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा और आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो भी बता दूंगा। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। So without wasting any more time guys, let's get straight to the video. So दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Tecno Pop 8 Up के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.6 इंच का HD+ वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। सामने की तरफ जो आपको पंचोल शेयरिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पंचोल डिस्प्ले है जहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक की तरफ 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा जो है AI लेंस वाला यहां पे चिप दिया जाएगा। एंड बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है। खैर यहाँ पे टाइप सी पोर्ट होगा या फिर माइक्रो USB होगा कंफर्म नहीं है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली मांगे चलिए कि टाइप सी पोर्ट होगा जो कि 10W के चार्जिंग के साथ में आएगा। अब जिस प्राइस पे आने वाला उस प्राइस पर हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसर यूनिसॉक की तरफ से T606 होने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये जो चिपसेट है ये 4G तक के मॉडम को ही सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन 4G है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। एंड यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, SD कार्ड भी लगा पाओगे एंड Android 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही स्पेक्स की कहानी टेक्नो पॉप 8 अप की। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में, उससे पहले वेरिएंट बता देता हूँ। 4+64 का बताया जा रहा है लॉन्च होगा, और अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो आप सुनकर शॉक्ड होने वाले हो। इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है इंडियन मार्केट में आपको 5799 रुपये देखने को मिलेगी, मतलब 5800 रुपये। और 5800 रुपये में लिटरली इतने तगड़े तगड़े स्पेक्स प्रोवाइड करिए, मतलब पंच होल डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, आहा सुन के ही मजा आ जाता है। तो मतलब काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप 3 जनवरी का वेट कर लो, 3 जनवरी को ये स्मार्टफोन जो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल वेट करना तो बनता है स्मार्टफोन के लिए। तो बस दोस्तों यही सारी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था टेक्नो पॉप 8 अप से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।